प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष धूमिल द्वारा रचित कविता रोटी और संसद लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए, हमेशा की तरह कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। रोटी और संसद कविता सन 1977 में प्रकाशित कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संग्रहित है। यह वर्तमान राजनीति पर व्यंग करती एक छोटी सी कविता है। रोटी और संसद इस शीर्षक से विवेचन होता है कि कवि सुदामा पांडे धूमिल ने स्वाधीनता के पश्चात कि असमान व्यवस्था की सत्यता को पाठकों से रूबरू कराने का कार्य इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यहां एक तरफ पाठकों को चिंतन के लिए मजबूर किया है, तो दूसरी तरफ शोषित भ्रष्ट राजनीति के प्रति अंगुली निर्देशन करते हुए मजदूर श्रमिक वर्ग एवं निम्न वर्ग के प्रति धूमिल जी ने सहानुभूति व्यक्त की है। इस कविता की भाषा शैली जनता की भाषा है, जो पीड़ित दीनहीनों के दुख दर्द का प्रमाणिक वास्तविक चित्रण करता है। शब्दों को खोलकर उनमें दुखियों मजदूरों के जीवन को खोलने की कला धूमिल की कविता शिल्प में देखी जा सकती है। जब मनुष्य के अन्याय के खिलाफ चेतना जगाती है और साथ ही स्थिति में बदलाव की क्षमता भी रखती है। तो आइए, कविता के पाठन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो आइए, कविता के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो आइए, इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। रोटी और संसद धूमिल की महत्वपूर्ण कविता है, जो भूख की समस्या को व्यक्त करती है, जो भारतीय जनतंत्र की खिल्ली उड़ाने वाली है, क्योंकि कवि ने यहां जो प्रश्न किया है उसका उत्तर भारतीय संसद कभी नहीं दे पाई है। ग्रामीण परिवेश हो या शहरी, भूख की समस्या आज की सबसे बड़ी समस्या है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की आर्थिक प्रगति का लाभ साधारण जनता तक अभी भी नहीं पहुंच पाई है। इसलिए रोटी और संसद कविता में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर भारतीय संसद आज भी नहीं दे पाई है। तो आइए, प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। रोटी और संसद इस कविता में धूमिल जी ने रोटी की समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की है। स्वतंत्र भारत में प्रमुख समस्या थी गरीबी की समस्या। इस गरीबी के कारण सामाजिक विषमता बढ़ती गई, गरीब और अधिक गरीब होता गया और पूंजीपति वर्ग सत्ता और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर गरीबों की रोटी तक छीनता चला गया। इसी कारण आज
आम आदमी रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत करके भी अपने लिए दो वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ है। गरीबों की रोटी छीनने वाला वर्ग मतलब तीसरा आदमी, कवि ने इसी तीसरे आदमी की तलाश के लिए प्रतीकात्मक रूप में रोटी और संसद यह एक छोटी सी कविता लिखी है। कवि धूमिल जी हमारे सामने एक चित्र खड़ना चाहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, मतलब वह रोटी की जुगाड़ में कड़ी मेहनत करता है, और एक आदमी है जो रोटी खाता है, परंतु ऐसा एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न ही रोटी खाता है, वह तो सिर्फ रोटी से खेलता है। कवि इसी तीसरे आदमी की पहचान के लिए प्रश्न करते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है। इसका उत्तर हमारी सर्वोच्च संसद तक नहीं दे पाई। यह तीसरा आदमी सत्ताधारी, पूंजीपति या अफसरशाही लोग भी हो सकते हैं जिसने आम जनता की रोटी छीनी है। यह तीसरा आदमी गरीब मजदूरों की मेहनत से कमाए संसाधनों के साथ साथ खून तक को चूसता है। आम आदमी के मेहनत ताना पर ऐसे आराम की जिंदगी जीने वालों के प्रति कवि आक्रोश भरा सवाल करते हुए कहते हैं कि यह तीसरा आदमी आखिर कौन है। जब तक इस तीसरे आदमी के बारे में संसद उत्तर नहीं देती, तब तक भूखमरी की समस्या का हल नहीं होगा। इस प्रकार से भारतीय व्यवस्था के बारे में यहां धूमिल जी ने प्रश्न उठाए हैं। इस कविता में मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि धूमिल जी ने भारतीय जनतंत्र की खिल्ली उड़ाते हुए प्रश्न किया है कि स्वतंत्रता के 20 वर्ष बाद भी आम आदमी की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकी है। आवश्यकता तो दूर की बात, आज आम आदमी को रोटी तक मुसस्सर नहीं हो पाई है। इस बात को लेकर कवि धूमिल जी बहुत चिंतित हैं। कवि उस तीसरे आदमी की तलाश में है जिसने आम आदमी की रोटी छीनी है, आम आदमी की गरीबी का मजाक उड़ा गया है और खुद संपन्नता से अपना गुजारा कर रहा है। कवि को पता है कि वह तीसरा आदमी कौन है, परंतु कवि इस कविता के माध्यम से सत्ता में बैठे लोगों से उत्तर जानना चाहते हैं। परंतु कविता के माध्यम से कवि धूमिल आम जनता को सचेत करना चाहते हैं कि तीसरे आदमी को पहचानो और उसका विरोध करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार धूमिल जी ने अपने इस कविता के माध्यम से आम लोगों को शोषण के खिलाफ सचेत किया है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा यह व्याख्यान सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।